नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। HUL की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 2360 के आसपास कारोबार कर रहे हैं आज 23/3/2021 को, और ब्रोकरेज हाउसेस की भी इसमें न्यूज आई है दोस्तों, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो उनको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे। एक तरह से दिग्गज स्टॉक है ये, और जब भी इसमें गिरावट होती है तो नज़र में जरूर रखना चाहिए। जैसे कि अगर कोई ट्रेड भी करना चाहता है तो FMCG में ये स्टॉक को देख सकते हैं। जब भी इसमें गिरावट होती है तो इस HUL को जरूर देखना चाहिए। एक साल पहले लगभग 2600 के आसपास इसका हाई था, इसका लो है 1757.30 और हाई है 2614, और मार्केट एक तरह से 7500 से 15000 तक पहुंच गया, बट HUL ने अभी तक उन्होंने 52 हाई ब्रेक नहीं किया। तो आने वाले दिनों में Q4 का रिजल्ट भी आना है, आने वाले दिनों में Q4 का रिजल्ट आएगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर बढ़ के आता है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है कंपनी। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 5,54,144 करोड़ का है और फेस वैल्यू 1 रुपये का। प्राइस परफॉर्मेंस में देखते हो 3 साल में 81% का रिटर्न मिला है, 1 साल में 26% का रिटर्न मिला है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से स्टॉक को रखे हुए हैं उनको अच्छा रिटर्न मिला है, 81% का रिटर्न मिला है। और FMCG में इसी तरह से दिखता है दोस्तों। एक तरह से देखिए, जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ दिखते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं दोस्तों जेफरी और JP Morgan ने खरीदारी की रेटिंग दी है, और जेफरी का जो रेटिंग है दोस्तों 2650 रुपये तय किया गया, और JP Morgan ने HUL पर 2550 रुपये तय किया है। तो ये आने वाले समय में रहेगा, एक तरह से इनका अनुमान रहता है दोस्तों, और रिजल्ट किस तरह का रहेगा, किस तरह की ग्रोथ आ रही है उसी के अनुसार अनुमान रहता है। अब देखना पड़ेगा किस तरह का इसका Q4 का रिजल्ट रहेगा दोस्तों ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए, एक साल पहले इसने हाई बनाया था लगभग 2606 के आसपास, उसके बाद देखिए 1 साल हो गया और लगभग ये इसने जो हाई बनाया है 2454 तक गया था, और अब की बार ये ट्रेड कर रहा है 2360, यानी मीन्स देखिए लगभग 2000 इसने जो ड्रॉप किया था लगभग 1966 तक आया था, और उसके बाद 2000 तक आता और फिर ऊपर की तरफ एक तरह से 2300-2200 इस तरह का ट्रेड हो रहा था, इस तरह का ट्रेंड बना हुआ था। तो देखिए एक तरह से अब आने वाले दिनों में क्या है कि Q4 का रिजल्ट होगा, और उससे पहले एक स्टॉक जो है ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है, जैसे कि तीसरी तिमाही का जो रिजल्ट निकला था स्टॉक ऊपर की तरफ था, तो काफ़ी लोग एक तरह से ट्रैप हो गए थे, क्योंकि जब तेज हो जाता है तब रिटेलर्स एक तरह से लेने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा स्टॉक अगर गिरता है तो उसको देखिए 5%, 7%, 10% गिर रहा है, तो उस वक्त जो है पार्ट में लेना चाहिए। जब ये नीचे के लेवल पर कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी HUL को, देखिए जिनके पास समय है, टाइम है, वक्त है, तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। अभी देखिए ये मार्च में देखिए ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, तो इस कैंडल को 23/3/2021 आज जो ट्रेड किया है इसने 2360 रुपये में ओपन हुआ है, और हाई बनाया है 2372.85, लो है 2356.20 और अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही है 2357 रुपया। तो दोस्तों एक तरह से ये मान के चलिए लगभग 10% बढ़ चुका है 2120-2130 के आसपास से। तो जो अभी ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे का जो ट्रेड कर रहे हैं, मान के चलिए उनको जो है उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2356 रुपये का होना चाहिए, थोड़ा सा और नीचे लगा सकते हैं 2350 का जो इंट्राडे कर रहे हैं, और जिनका प्रॉफिट बना हुआ है तो उनको भी लगभग मान के चलिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 2347 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये नज़दीक का हो जाएगा तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं आप, लगभग मान के चलें कि 2330 या 2320 के आसपास का होना चाहिए। इससे नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग होती है इसकी थोड़ी सी, फिर इसमें गिरावट बढ़ सकती है दोस्तों। सीधे मान के चलिए फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा हमें, लगभग 2280 तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो इसलिए प्रॉफिट जिनको हो रहा है तो शॉर्ट टर्म में उनको अपना स्टॉप लॉस के द्वारा प्रॉफिट को बनाए रखना चाहिए, और ऊपर की तरफ जैसे कि इसका हाई है 2372, इसके आसपास या इसके ऊपर क्लोज होता है
तब फिर हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों, लगभग मान के चले 2400 के आसपास, 2410 2420 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट अब मन में ये भी सवाल है कि जो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना टारगेट दिया है, तो एक तरह से देखिए अगर रिजल्ट ठीक ठाक रहता है और रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा आता है तभी फिर हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, लगभग 2450 के ऊपर तब जाता हुआ दिख सकता है। बट थोड़ा सा कॉशियस उन लोगों को रहना चाहिए यहाँ पे जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, जो अभी ले रहे हैं दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म में कारोबार कर रहे हैं तो SL के द्वारा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पास एक तरह से लंबे समय के लिए पड़ा हुआ है 1900-1700 और लोअर लेवल पे पड़ा है, तो आने वाले समय में डिविडेंड भी देगी कंपनी और साल भर में एक मान के चले कि 10% की बढ़ोतरी इसमें होती रहती है। जैसे पिछले 3 साल में 81% का इसने रिटर्न दिया है, तो Q4 का रिजल्ट और Q1 का रिजल्ट अच्छा आता है तब फिर हमें 2600 को ब्रेक करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं 2454 और 2470 के ऊपर क्लोज होता है, डेफिनेटली स्टॉक फिर वहां से तेज होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल नेक्स्ट 2-3 महीने में भी इस तरह का अगर होता है कि नीचे की लेवल पे दिखता है, डेफिनेटली स्टॉक को अपने अनुसार देखना चाहिए। और जब मार्केट में गिरावट बढ़ती है या दबाव रहता है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ दिखते हैं, और अगर मार्केट बढ़ती है तो इन स्टॉक में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऊपर एक तरह से थोड़ी सी सेलिंग आ जाती है। तो ये एक पॉइंट है, वाले समय में अगर ये 2450-2470 के ऊपर क्लोज होता है तब और तेजी की संभावना रहेगी। बट ये कि जिन्होंने अभी लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए दोस्तों। तो और Q4 का रिजल्ट का इंतजार करिए, या तो फिर ये भी हो सकता है क्योंकि जब रिजल्ट आने वाला होता है मान के चलिए तब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ दिखता है और पिछले कुछ समय से इसी तरह कर रहा है। तो चार्ट में एक फायदा ये रहता है कि ट्रेंड का पता चलता है, स्टॉक किस तरह से कारोबार कर रहा है, और पिछले 1 साल के अंदर अगर हम देखते हैं 2000 से 2300-2400 के बीच कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा जो निवेशक अगर इस तरह के स्टॉक में कारोबार करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो गिरावट में इसको देखना चाहिए और 15-10% बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए और अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। मैं फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।